तो फ्रेंड्स सीआईएसएफ में बर्तमान हेड कनेस्टेबल पोस्ट और एएसआई पोस्ट टोटल पोस्ट बाहर 540 पोस्ट मुझे डिटेल्स में कहीदे जब आपने आवेदन करने चाहती बर्तमान आवेदन करें हेड कनेस्टेबल पोस्ट रही 418 और एएसआई पोस्ट रही 122 पोस्ट। तो ये जो ऑनलाइन अप्लाई हम ऑनलाइन अप्लाई डेट रही 26 सेप्टेम्बर रु 25 अक्टोबर पर्यंत ऑनलाइन अप्लाई करें जो ऑनलाइन आपन अप्लाई करेंगे यार ऑफिशियल वेबसाइट रही CISFRECTT.in यही साइट्रे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे यहाँ परमानेंट चाकरी और सैलरी आपर भल रही सैलरी लेवल 5 रे आपर सैलरी मिल जो थे कि 29,200 जो स्टार्टा से 50,000 प्लस मिल डीए आउ इलाउन्स मिसिकमी हेड कनेस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल मिनिस्ट्रियल कौन मिनिस्ट्रियल है आप कनेस्टेबल हेड कनेस्टेबल जोटा कि आप जनरल ड्यूटी कौ ड्यूटी में गले तो से ड्यूटी नुह आपर एटा ऑफिशियली काम एटा एएसआई आउ आपर मिनिस्ट्रियल एटा दुटा एमती ऑफिशियली काम जदि आप ऑफिशियली कंप्यूटर काम करने चाहूँगी कनेस्टेबल आप कनेस्टेबल हाँ चाहूँगी हेड कनेस्टेबल आप ऑफिशियली काम करने चाहूँगी ये पोस्ट आप बेस्ट रही तेज मिनिस्ट्रियल जो देखिए जेकोसी पोस्ट से जानवे जी ये हूँ ऑफिशियली पोस्ट और जदि आप चाकरी पाँच तो ऑफिशियली काम करेंगे तो सी आप गोटे कथ रहीपे जो आम हेड कनेस्टेबल होकर ऑफिशियली काम करूँ आप बर्दी मिल हाँ बर्दी भी आपको मिले तो एर आप 25,500 रु 81,100 रोचे एथे मेल फिमेल समस्ते आवेदन करें प्रथम आम जाना ये कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रोचे और सिलेक्शन प्रोसीजर केमी रोचे टोटल पोस्ट जो अच्छी से पोस्ट आप जो कैटेगोरी आपर एससी एसटी था ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आप से कैटेगोरी फर्म पकेबे जो अधिक आप देखें यूआर अधिक पोस्ट अच्छी सब यूआर हिं पकेबे सेमती बहुत कम करेंगे कारण जो कैटेगोरी से रिजर्वेशन क्लियर मानने पोस्ट क्लीयर हो सारापर आप यूआर यूआर टाक समस्ते नहीं जाते तो से आपंकर जो कैटेगोरी से कैटेगोरी पकेबे मेल और फीमेल और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट डिपार्टमेंटल जो मैंने अच्छा सीआईएसएफ से चाहिए पके पारे कि गोटे लिमिटेड पोस्ट अच्छी से पोस्ट सी नहीं पारे एवं आम जाना यहाँ एज आउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रोचे तो ये जो पीडीएफ फाइल टी ये पीडीएफ फाइल टी बर्तमान सीआईएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट आसी ना ये डीएवीपी ऑफिशियल वेबसाइट आसी डीएवीपी आप डाउनलोड करेंगे नचे मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देते टेलीग्राम से छाड़देवि आपने ओके बर्तमान आम जाना ये क्वालिफिकेशन रखी कौन क्वालिफिकेशन रखी 12th पास आपड़ जब प्लस टू पास आर्ट्स कमर्स साइंस करें आवेदन करेंगे बयस रखी 18 वर्ष रु 25 वर्ष से 18 वर्ष रु 25 वर्ष कौ दिन को 25 अक्टोबर 2022 सुधा आपंकर बयस जब 18 रु 25 होवेदन करेंगे ओबीसी कैंडिडेट मैं 3 वर्ष रिलैक्सेशन एससी एसटी 5 वर्ष रिलैक्सेशन रोचे तो एम शिक्षागत योग्यता जानले शिक्षागत योग्यतार आउ गोटे कथ रही एपंकर गोटे मानने अदर एसेनसीआल क्वाफिकेसन रोचे अदर एसेनसीआल क्वाफिकेसन मैंने 12th पास कर निहाती आवश्यक जेहेतु एटा एएसआई पोस्ट आसीस्टेंट सब इन्स्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट तो आपको स्टेनोग्राफी जानते दरकार स्किल टेस्ट आपंकर हम से नॉर्मल ऑन कंप्यूटर रे आप 10 मिनट भितर 80 वर्ड पर मिनिट रे ट्रेन कर दरकार ओके जोटि ट्रांसक्रिप्शन टाइम रही 50 मिनिट इन इंग्लीश 65 मिनिट रही हिंदी रे सेमती एसेनसीआल क्वाफिकेसन जोटा कि आम हेड कनेस्टेबल पोस्ट से जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट रही आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर पार्थ्वा दरकार 25-35 वर्ड पर मिनिट इंग्लीश 30 वर्ड पर मिनिट हिंदी में आप टाइपिंग कर पार्थ्वा दरकार ओके तेज ऑनलाइन फॉर्म आप आर ई सी टी टी साइट फॉर्म पकड़े 26 तारिख रु एवं प्रथम आपर फिजिकाल हम फिजिकाल आम जाना फिजिकाल प्रथमे जो मेल कैंडिडेट से हाइट वेट चेस्ट टेस्ट हम फीमेल मानकर हाइट वेट चेस्ट मानने फास्ट हाइट वेट चेक हम तेज मेल कैंडिडेट मानकर 165 सेंटीमीटर हाइट मागुची नॉर्मलटा तो 165 सेंटीमीटर रु अधिक आपने हाइट होता दरकार एवं फीमेल कैंडिडेट मानकर 155 सेंटीमीटर रु अधिक हाइट होता दरकार सेमती जो एसटी कैंडिडेट रही एसटी कैंडिडेट मानी एससी मानी कौन रिलैक्सेशन ना हाइट रे एसटी कैंडिडेट मानी 162.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होता दरकार 150 सेंटीमीटर रु अधिक महिला कैंडिडेट मानक हाइट होता दरकार तो हाइट जानले तापर रोचे केवल मेल कैंडिडेट मानक चेस्ट 77-82 सेंटीमीटर होता दरकार 5 सेंटीमीटर एक्सटेनसन कर दरकार आउ जो मैंने एसटी रही है 76-81 सेंटीमीटर भितर आप चेस्ट होता दरकार 5 सेंटीमीटर एक्सटेनसन कर पार्थ्वा दरकार फिमेल कैंडिडेट मानी कौन चेस्ट आवश्यक नहीं से माप हुए ना एठी वेट वेट रे आपणकर मेडिकल स्टैंडर्ड अनुसार आपणकर जो हाइट रही हिसाब से जहाँ वेट रही मेडिकल स्टैंडर्ड अनुसार से चेक करेंगे तो यहाँ आपणकर फास्ट हाइट वेट चेस्ट रहीगला
तापर आपर रिटिन टेस्ट हम आपर डाउट ये आई पे सर आपर प्रथम जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तापर फिजिकल इफिशियंट टेस्ट ना कि रनिंग फनिंग किसी ना कि आपड़ी देखते रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो प्रथम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देपर रिटिन एग्जाम ओके जाकि स्किल टेस्ट देपर आप मेडिकल एग्जामिशन दे तो यही हिसाब से ही आपर एटी हम आम एवं जाना जो रिटिन टेस्ट में कौन क्वेश्चन आसो रिटिन टेस्ट रे 120 मिनिट रो टाइम देछि एवं आपनकु 100टा क्वेश्चन आसीबो जेमने कि जनरल इंटेलिजेंस जनरल नॉलेज आ मैथमेटिक्स आ इंग्लिश जहां एसएससी जीड रे थिला एग्जैक्टली से ही आसीबो ओएमआर सीट बा कंप्यूटर बेस्ड रिटिन एग्जाम हबो 100टा क्वेश्चन रहिबो ओके एवं 100 मार्क रहिबो एठी कोनोसी माइनस मार्किंग पई मध्य देई नाही जे हां आपनकर कोनोसी माइनस मार्किंग अछि सेमिति किछि एठी उल्लेख रखि नाही जे माइनस मार्किंग बोली ओके तबे आपनकु रिटिन हबो रिटिन ले माने आपनकर जनरल इंटेलिजेंस बा रीजनिंग ते आपनकर 25टा क्वेश्चन 25 मार्क जनरल नॉलेज 25टा क्वेश्चन 25 मार्क मेरिट मैथमेटिक 25टा क्वेश्चन 25 मार्क इंग्लिश मध्ये आपनकर 25टा क्वेश्चन 25 मार्क आसीबो रिटिन टेस्ट हे सारा पर सबुडा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस रे आसीबो ओएमआर सीट रे ही आसीबो ओके एवं एथिरे जो क्वेश्चन आसीबो सबुडा का 12th स्टैंडर्ड रे ही आसीबो एवं एथिरे को सब्जेक्ट आ सिलेबस ता कोन कोन रहिबो को थ्रू केते क्वेश्चन आसीबो ता हम आपनको सिलेबस वाइज एक सिलेबस वीडियो रे कहि देबी जो मैंने रिटिन टेस्ट करेंगे रिटिन क्वालिफाई करेंगे तो से रिटिन टेस्ट पर स्किल टेस्ट पर डाक स्किल टेस्ट में स्टेनोग्राफर और हेड कनेस्टेबल मिनिस्ट्रियल जहाँ जहाँ अच्छे केवल क्वालिफाइंग नेचर केवल क्वालिफाइंग करने पड़ो तापर आपर मेडिकल टेस्ट हम से गोटे डीएमई अच्छी डिटेल मेडिकल एग्जामिशन अच्छी आरएमई अच्छी रिव्यू मेडिकल एग्जामिशन से दुटा भी आपको क्लीयर करने पड़ो जदि आप डिटेल मेडिकल एग्जामिशन क्लीयर कले आप रिव्यू मेडिकल एग्जामिशन क्लीयर होदि आप क्षेत्र में अनफिट फिट अनफिट रोचे तेज आपको ये टेम्पोरारी अनफिट करा जिवो ओके तापर आपनको पूरा परमानेंटली अनफिट करा जिवो जदि आपन कोनोसी जगह रे फिट हेले ताले आपन सेटा टेम्पोररी फिट कोनोसी जगह रे अनफिट हेले मते सेटा टेम्पोररी तापर आपनको सेने फाइनली फिट करिवे बा अनफिट करिवे ओके रिटेल में मिनिमम आपको 35% रखा पड़ो यूआर और ईडब्ल्यूएस एक्सरिप्स मानी और एससी एसटी ओबीसी 33% रखिक मिनिमम आपको क्वालिफाई करने पड़ो एथिरे ऑनलाइन अप्लाई कला बेले आपनकु फोटो अपलोड करिया पई पड़िबो जो अपलोड फोटो करिवे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करिवे सेथिरे ता उपरे आपनकु डेट दबा पई पड़िबो डेट आपन केबे एवं उठै चंदी ओके फोटोटी केबे उठै चंदी डेट रिसेंट 3 मास भीतर ही फोटोटी हेतबा दरकार डेट एवं सिग्नेचर मध्ये आपनकु दबा पई पड़िबो ओके तापर ऑनलाइन आपन एप्लीकेशन केमिति पकेबे ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड रे पर डिटेल्स रेटी देछि जे आपन ऑनलाइन रे फास्ट आपन रजिस्ट्रेशन करय पय पडबो रजिस्ट्रेशन समय मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वोटर कार्ड पान कार्ड बा पासपोर्ट जहां भी गोटे आईडी प्रूफ हिसाब से दरकार तापर आपन ऑनलाइन अप्लाई पय रजिस्ट्रेशन कर सला पर पुनी फॉर्म रे आपन जो भरिबे से फॉर्म केमिति भरिबे सेटा पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ए टू जेड पूरा डिटेल्स रेटी दे देछि ओके तो आपन ताकु देखि कि मध्ये जदि आपन फॉर्म भरिया पय चाहंती मध्ये फॉर्म भरि परिया कोठी कोन केमिति रहिछि आ ता सहित आपनकर जो सर्टिफिकेट सब रहिछि कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल सर्टिफिकेट से यही फर्माट हिसाब से दरकार तो सही सब अलरेडी आपखे सेमती ही थी ओके सहित आपंकर जो ओबीसी सर्टिफिकेट फर्माट एथिरे आपंकर ईडब्ल्यूएस इकोनोमिकल वीकर सेक्शन ये ओके या रिलेटेड इकोनोमिकल वीकर सेक्शन और सहित ओबीसी ये सब रिलेटेड स्पेशल वीडियो बनवा आप जो बालीवस्था रिलेटेड कही वीडियो पोस्ट करी तो वेट करूँ मुझे बालीवस्था रिलेटेड वीडियो पोस्ट करदेवि ओके ये थिला पूरा इनफर्मेशन और ये जो पीडीएफ फाइलटा मुझे पीडीएफ फाइलटा टेलीग्राम छाड़ दूँ टेलीग्राम लिंक आप डिस्क्रिप्शन पाइबे ये है एफ एम मनोज टेलीग्राम ये एफ एम मनोज टेलीग्राम आपखापाखी 50,000 पिला अच्छा ये आप टेलीग्राम में छाड़देवी आपठी पाइबे पीडीएफ फाइलटी ओके आप सहित सेयर करदे 26 तारीख दिन मुझे कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन वीडियो पोस्ट करदेवी रोचे धन्यवाद।